नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर लेकर हाजिर है अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम है टेंडर जगत। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक हैं या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी। इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार के पूल होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हाईटेज निगम, जयपुर आवासन मंडल, पीएचडी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और वन विभाग के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह के टेंडर्स की और देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे और उसकी क्या है अंतिम तिथि। तो चलिए पहले पिछले सप्ताह के टेंडर्स पर नजर डाल लेते हैं और शुरुआत करते हैं जेवीवीएनएल से, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के इस टेंडर से। देखिए प्रकाशन तिथि इस टेंडर की 15 जुलाई रही। कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत वीसीबी के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और मरम्मत के लिए दर अनुबंध प्रदान करने का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा और अंतिम तिथि इस निविदा की 21 अक्टूबर है। तो ये भी अहम टेंडर है जेवीवीएनएल का। हालांकि पिछले सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण टेंडर का जिक्र हम कर रहे हैं, उनकी जानकारी आपको दे रहे हैं और उसी से शुरुआत करते हैं। चलिए अगले टेंडर का रुख करते हैं। जेवीवीएनएल के बाद अब ये अहम टेंडर है जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग यानी पीएचडी विभाग का ये टेंडर है। प्रकाशन तिथि देखिए इसकी 9 अक्टूबर रही है और कार्य विवरण इसके अंतर्गत पीएचडी डिवीजन झालावाड़, जिला झालावाड़ के अधिकार क्षेत्र में जेजेएम के तहत जोखिम और लागत के आधार पर एक वर्ष के दोष देयता अवधि सहित एफएसटीसी प्रदान करने के लिए सब डिवीजन अकलेरा के आरडब्ल्यू एसएस टांडी जीपी खेरखेड़ी पीएस मनोहर थाना का संवर्धन का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है। अहम निविदा है, अंतिम तिथि इसकी 4 नवंबर है, यानी कि भरपूर समय इस टेंडर की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आपके पास है। आगे बढ़ते हैं पीएचडी विभाग के टेंडर के बाद। पीएचडी विभाग से एक और अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि इस टेंडर की 9 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत उपमंडल अकलेरा के आरडब्ल्यूएसएस घोगड़ी और चार माजरा जीपी चांदपुरा भिलान पीएस मनोहर थाना का विस्तार पीएचडी डिवीजन झालावाड़ जिला झालावाड़ के अधिकार क्षेत्र में जोखिम और लागत के आधार पर जेजेएम के तहत एक वर्ष की डीएलपी सहित एफएसटीसी प्रदान करने का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है। अहम है, अंतिम तिथि 4 नवंबर इस निविदा की भी अंतिम तिथि है, यानी 4 नवंबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अहम टेंडर है ये पीएचडी विभाग का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टेंडर भी पीएचडी विभाग से ही है। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की है 8 अक्टूबर। प्रकाशन तिथि 8 अक्टूबर, लेकिन कार्य विवरण समझ लीजिए। डिवीजन कठुमर के अंतर्गत जेजेएम आरडब्ल्यूएसएस जाडू का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि अहम हो जाती है किसी भी निविदा के लिए और ये डेडलाइन है 28 अक्टूबर की, यानी 28 अक्टूबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी करीब 10 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। पीएचडी विभाग का ये अहम टेंडर है। आगे रुक करते हैं अगले टेंडर का। पीएचडी विभाग से एक और अहम टेंडर है। देखिए इसकी भी प्रकाशन तिथि जहां 8 अक्टूबर है और कार्य विवरण इसके अंतर्गत कठुमर अलवर जेजेएम आरडब्ल्यूएसएस अडोली अंडरडाउन का कार्य है जो कि इस टेंडर के अंतर्गत करना होगा। अहम तो अनुमानित लागत है आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि 28 अक्टूबर, इस निविदा की भी 28 अक्टूबर अंतिम तिथि, यानी कि वही मान के चलिए 10 दिन का करीब वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी अहम टेंडर है पीएचडी विभाग का। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का और अगला टेंडर पीडब्ल्यूडी विभाग से। प्रकाशन तिथि इसके 8 अक्टूबर, कार्य विवरण देखिए इसके अंतर्गत डीपीआर लेवल क्रॉसिंग संख्या 9 एलसी 9 रतनगढ़ डेगाना रेलवे खंड किलोमीटर 340/9 341/0 आरओबी पर तैयार करने का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। ये कार्य विवरण है इस टेंडर के लिए और अंतिम तिथि है 18 अक्टूबर, यानी महज एक दिन का वक्त है। आज 17 अक्टूबर है और एक दिन का ही, यानी कल का बस समय है शाम तक का जब आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है पीडब्ल्यूडी विभाग का। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगले अहम टेंडर का जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि देखिए इसके 7 अक्टूबर और कार्य विवरण इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत मंडार में मंदार मेथीपुरा रोड से मुख्य आबादी होते हुए NH 168 तक अटल प्रगति पथ का निर्माण कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है। अनुमानित लागत तो 2,20,00,000 है, लेकिन अहम हो जाती अंतिम तिथि और 23 अक्टूबर इस निविदा की अंतिम तिथि है, यानी 23 अक्टूबर का तक का वक्त है, 5 से 6 दिन का बहस वक्त जब आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर, अलग अलग विभाग वाला टेंडर हम आपको बता रहे हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग का एक और अहम टेंडर। प्रकाशन तिथि 7 अक्टूबर, कार्य विवरण
इसके अंतर्गत विपर्जय भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त पुलिया सड़कों की स्थायी मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत तो आप देख रहे हो और अंतिम तिथि देखिए 24 अक्टूबर इस निविदा की अंतिम तिथि यानी 7 दिन का वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये अहम टेंडर है, अहम निविदा है जिसकी डिटेल आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। अगली निविदा भी पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। देखिए यहाँ पर प्रकाशन तिथि इसकी भी 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर प्रकाशन तिथि और कार्य विवरण समझिए, जहां विपर्जय भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त पुलिया और सड़कों की स्थायी मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है। अनुमानित लागत आप देख रहे हैं 1,70,00,000, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा की भी 24 अक्टूबर ही है, यानी कि 6 से 7 दिन का वक्त आपके पास है, आप आराम से इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है और इसकी भी प्रकाशन तिथि 7 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत भी भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त पुलिया सड़कों की स्थायी मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा की भी 24 अक्टूबर ही है, यानी 24 अक्टूबर तक ही आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये भी अहम टेंडर है, अहम निविदा जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का और अगला टेंडर भी पीडब्ल्यूडी विभाग से। देखिए प्रकाशन तिथि इसकी भी 7 अक्टूबर। कार्य विवरण इसके अंतर्गत भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त पुलिया और सड़कों के स्थायी मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य है जो कि बजट 2024-25 में भी मेंशन किया गया है और इसके लिए ही आप ये निविदा निकाली गई जिसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। इंटरेस्टेड अगर आप हैं तो 24 अक्टूबर इस निविदा की अंतिम तिथि, यानी 24 अक्टूबर तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस निविदा में शामिल हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है। और चलिए टेंडर जगत में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है टेंडर जगत में। और चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की और नजर डाल लेते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की। शुरुआत करते हैं नगर निगम हेरिटेज से। देखिए प्रकाशन तिथि इस टेंडर की 20 सितंबर रही। कार्य विवरण, जहां जय निवास उद्यान के लवकुश उद्यान में ट्रिपल पी मोड पर बच्चों के खेल उपकरणों की स्थापना, उद्यान रखरखाव एवं संचालन का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत इसकी 16,00,000 रुपए है और अंतिम तिथि है इस निविदा की 22 अक्टूबर, यानी महज 4 से 5 दिन का वक्त है इस निविदा के लिए, लेकिन 22 अक्टूबर अंतिम तिथि है और अहम निविदा है ये हेरिटेज नगर निगम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा पीडब्ल्यूडी विभाग से है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 7 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत विपर्जय भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त पुलिया सड़कों की स्थायी मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत इसकी 87,34,000 रुपए है और अंतिम तिथि है इस निविदा की 24 अक्टूबर, यानी इसके लिए भी 6 से 7 दिन का वक्त आपके पास है, लेकिन कार्य विवरण विस्तार से आप देख सकते हैं। प्रकाशन तिथि 7 अक्टूबर है लेकिन अंतिम तिथि पर ध्यान देना है जो कि 24 अक्टूबर है। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। अगला टेंडर भी पीडब्ल्यूडी विभाग से है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 7 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत विपर्जय भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त पुलिया सड़कों की स्थायी मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य है जो कि इस टेंडर के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत इसकी 1,92,14,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अगले टेंडर का रुख करते हैं, अगली निविदा भी पीडब्ल्यूडी विभाग से है, जहां प्रकाशन तिथि इसकी 7 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत भी भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त पुलिया सड़कों की स्थायी मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य है जो कि इस टेंडर के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत देखिए, इसकी अनुमानित लागत 1,57,21,000 रुपए है और अंतिम तिथि है इस निविदा की 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर तक का वक्त है, भरपूर कह सकते हैं कि समय है इस निविदा में इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के इस टेंडर के बाद अब राजस्थान आवासन मंडल यानी आरएचबी जयपुर का ये टेंडर देख लेते हैं। प्रकाशन तिथि देखिए इसकी 7 अक्टूबर इसकी भी है। कार्य विवरण, जहां इसके अंतर्गत 2024-25 सीएचएस स्वामी विवेकानंद नगर कोटा में 5 वर्षों के लिए वृक्षारोपण कार्य और रखरखाव का कार्य है जो कि करना होगा, जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया। अनुमानित लागत इसके 65,87,000 रुपए रहेगा और अंतिम तिथि इस निविदा के 18 अक्टूबर है, यानी सिर्फ कल तक का वक्त है आपके पास, 18 अक्टूबर अंतिम तिथि है, लेकिन अहम आरएचबी का ये टेंडर। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं जो कि आरएचबी विभाग से ही, आरएचबी का ये टेंडर। प्रकाशन तिथि 4 अक्टूबर। कार्य विवरण इसके अंतर्गत बार्ली हाउसिंग स्कीम जोधपुर में बोर्ड कर्मचारी योजना के लिए HIG 107 संख्या के मकानों के निर्माण कार्य करना है। अनुमानित लागत इस निविदा की 7,17,84,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 23 अक्टूबर, यानी 23 अक्टूबर तक का वक्त है जब आप इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आरएचबी का ये भी बेहद महत्वपूर्ण टेंडर।
चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का, जो कि आरएचबी से ही है, यानी राजस्थान आवासन मंडल से। प्रकाशन तिथि इसकी 4 अक्टूबर थी और कार्य विवरण देखिए। इस निविदा के अंतर्गत सेक्टर 4 बर्ली हाउस स्कीमिंग फेज 5 जोधपुर में ईडब्ल्यूएस 122 नग और ये साइज लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इस इतने का मकान जोन एम का निर्माण कार्य है जो कि करना है, जिसके लिए टेंडर निकाला गया है। महत्वपूर्ण है ये निविदा भी। अनुमानित लागत देखिए इसकी 6,94,08,000 है और अंतिम तिथि इसकी 23 अक्टूबर है। 6 से 7 दिन का वक्त, जैसा कि हम पहले ही बता रहे थे कि जिसमें वक्त है, जिसके लिए समय है, आप उसकी प्रक्रिया में आराम से सम्मिलित हो सकते हैं और भी डिटेल इसकी देख सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए वो आपको हम स्क्रीन पर बता रहे हैं हर एक महत्वपूर्ण टेंडर की। चलिए आगे बढ़ते हैं आरएचबी के इस टेंडर के बाद। देखिए एक और आरएचबी का ही ये टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी भी 4 अक्टूबर है और कार्य विवरण इसके अंतर्गत सेक्टर 4 बर्ली हाउसिंग स्कीम PH5 जोधपुर में जोन J1 में LIG 64 नग के मकानों का निर्माण कार्य है जो कि करना होगा, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी 6,16,16,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 23 अक्टूबर है, यानी कि 5 से 6 दिन का वक्त है जब आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि कार्य विवरण आप समझ लीजिए, अहम यहां पर अंतिम तिथि और अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें क्या आने वाली है। आगे बढ़ते हैं आरएचबी का ये टेंडर और आरएचबी से ही एक और महत्वपूर्ण टेंडर देखिए। इसकी प्रकाशन तिथि 4 अक्टूबर, कार्य विवरण इसके अंतर्गत भी सेक्टर 4 बर्ली हाउसिंग स्कीम PH5 जोधपुर में LIG 66 नग के जो मकान है जोन J2 का, उसका निर्माण कार्य कर रहा है। अब देखिए अनुमानित लागत इस निविदा के लिए 6,35,41,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 21 अक्टूबर, यानी कि सिर्फ 4 दिन का वक्त, 21 अक्टूबर तक ही आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन ये आरएचबी के अहम टेंडर है जो बैक टू बैक हमने आपको बताया, 3 से 4 टेंडर है महत्वपूर्ण है, जहां प्रकाशन तिथि अंतिम तिथि सभी की एक सी नजर आ रही, लेकिन कार्य विवरण समझ लीजिए, कार्य विवरण क्या है और अनुमानित लागत किस टेंडर में क्या लगनी है वो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टेंडर का रुख करते हैं, ये भी आरएचबी से ही है। प्रकाशन तिथि देखिए इसके भी 4 अक्टूबर और कार्य विवरण इसके अंतर्गत सेक्टर 4 बर्ले हाउसिंग स्कीम फेज 5 जोधपुर में ईडब्ल्यूएस के 122 नग के मकान जोन एल का निर्माण है जो कि करना है, जिसके लिए ये निविदा है। अब अनुमानित लागत पर नजर डालिए, इसकी 6,94,08,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर तक का वक्त इस अहम निविदा के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले टेंडर का रुख करते हैं और अगला टेंडर PHD विभाग से। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 8 अक्टूबर रही, PHD विभाग का ये महत्वपूर्ण टेंडर है। 8 अक्टूबर प्रकाशन तिथि, कार्य विवरण झालावाड़ सर्किट के लिए तरल क्लोरीन की आपूर्ति दर अनुबंध के आधार पर, ये इसका कार्य विवरण दिया हुआ है। अनुमानित लागत 7 लाख रुपए रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा की 21 अक्टूबर है, तो 21 अक्टूबर तक सम्मिलित हो सकते हैं आप PHD विभाग का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर। आगे रुक करते हैं अगले टेंडर का, अगली निविदा भी PHD विभाग से ही है। देखिए प्रकाशन तिथि इसकी भी 8 अक्टूबर, कार्य विवरण इसके अंतर्गत संभाग कठुमर अलवर के अंतर्गत JJM RWSS मानखेड़ा में कार्य है और अनुमानित लागत इसकी 87,90,000 रुपए है। अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 28 अक्टूबर है। 10 दिन का वक्त बहुत होता है किसी भी निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, विस्तार से जानकारी तो आप देख ही रहे हैं, 28 अक्टूबर तक का वक्त आपके पास इस टेंडर की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली निविदा किस विभाग से। देखिए PHD विभाग की से ये निविदा, प्रकाशन तिथि इसकी 1 अक्टूबर रही है और कार्य विवरण देखिए इसमें अंतर्गत RWSS बाघेरी का नाका और चिकलवास जिला राजसमंद का कार्य निजी अनुबंध के आधार पर इंटेकवेल्स डैम, फिल्टर प्लांट, पाइपलाइन, पंप हाउस, GLSR, OHSR, CWRs और क्लोरिनेटर, EMI वॉल्व आदि के लिए 7 साल के लिए एकल जिम्मेदारी के आधार पर कार्य है जो कि करना होगा, जिसके लिए निविदा निकाली गई। बेहद अहम है निविदा की अनुमानित लागत देखिए 24,14,40,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 24 अक्टूबर, यानी कि 6 से 7 दिन का वक्त इस निविदा के लिए। लेकिन कार्य विवरण भी समझ लीजिए, विस्तार से यहाँ पर दिया हुआ है कि आखिर इसका कार्य विवरण क्या है, कार्य क्या करना होगा इस टेंडर के अंतर्गत। अनुमानित लागत अहम हो जाती है, लेकिन अहम अंतिम तिथि भी है जो कि आपने नोट कर ही ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, PHD विभाग का एक और महत्वपूर्ण टेंडर है। देखिए निविदा की प्रकाशन तिथि इसकी 13 सितंबर रही, कार्य विवरण इसके अंतर्गत अमृत 20 के अंतर्गत 1 वर्ष की DLP के पश्चात 5 वर्ष की ONM सहित शहरी जलापूर्ति परियोजना गतसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर के संवर्धन हेतु कार्य है जो कि करना होगा इस निविदा में। अनुमानित लागत इसकी 4,65,33,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर तक का वक्त है, यानी कि आपके पास कम से कम 4 से 5 दिन का वक्त तो है ही इसमें सम्मिलित होने के लिए। अहम इसका कार्य विवरण है जो कि विस्तार से लिखा हुआ है कि आखिर ये निविदा किस लिए निकाली गई है, क्यों महत्वपूर्ण है, PHD विभाग का ये अहम
टेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का, जो कि पीएचडी विभाग से ही है। अब देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा के लिए 7 सितंबर रही है। कार्य विवरण जहाज के अंतर्गत सोम कमलांबा बांध से 84 गांव की क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना के अंतर्गत 5.75 MLD RGF पर सुरक्षित और संरक्षित मोद द्वारा पेयजल की कीटाणु शोधन आउटपुट प्रदर्शन के आधार पर, जिसमें 3 वर्षों के लिए उपभोग वस्तुओं की आपूर्ति भी शामिल रहेगी। ये कार्य विवरण है। इस निविदा के लिए अनुमानित लागत इसकी 1,11,00,000 रुपए और अंतिम तिथि है 6 नवंबर। 6 नवंबर यानी कि समय बहुत है इस निविदा में की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। आप शामिल हो सकते हैं। विस्तार से ये आप पूरी डिटेल देख ही रहे हैं। पीएचडी विभाग का ये भी एक महत्वपूर्ण टेंडर है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। पीएचडी विभाग का ये भी अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी 7 सितंबर। कार्य विवरण देखिए, इसके अंतर्गत करना क्या है। जैसमंद झील से क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना जैसमंद सलुम्बर के 3.19 MLD RGF पर सुरक्षित और संरक्षित मोड द्वारा पेयजल की कीटाणु शोधन आउटपुट प्रदर्शन वर्षों के आधार पर, जिसमें 3 वर्षों के लिए उपभोग वस्तुओं की आपूर्ति भी शामिल है, ये कार्य विवरण है। अब अनुमानित लागत पर नजर डालिए। इस निविदा के लिए 94 लाख अनुमानित लागत है और 6 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है, यानी कि वक्त है। आराम से आप इसकी प्रक्रिया समझ सकते हैं, देख सकते हैं और भी डिटेल निकाल सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए वो आपको हम स्क्रीन पर दे रहे हैं इस निविदा के लिए। पीएचडी विभाग का ये अहम टेंडर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टेंडर भी पीएचडी विभाग से है। इस बार बहुत सारे नए टेंडर से जो पीएचडी ने निकाले और उसी में से जो अहम है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अब इस टेंडर पर नजर डालें। 7 सितंबर प्रकाशन तिथि। कार्य विवरण इसके अंतर्गत क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना जसमंद सरदा में 3.00 MLD RGF पर सुरक्षित और संरक्षित मोड द्वारा पेयजल की कीटाणु शोधन आउटपुट प्रदर्शन के आधार पर, जिसमें 3 वर्षों के लिए उपभोग्य वस्तुओं की आपूर्ति भी शामिल रहेगी। अनुमानित लागत देखिए, इस निविदा के लिए जो अनुमानित लागत है वो 92 लाख रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 6 नवंबर है। तो इसके लिए भी आपके पास वक्त बहुत ज्यादा है। 6 नवंबर तक आराम से आप इसकी और डिटेल देख सकते हैं। पीएचडी विभाग का ये बेहद महत्वपूर्ण टेंडर है, निविदा है, जिसकी डिटेल आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं। वन विभाग जयपुर से ये अहम टेंडर है। देखिए, इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रकाशन तिथि इस टेंडर के लिए 8 अक्टूबर रही। कार्य विवरण जांच के अंतर्गत फेरो सीमेंट वॉच टावर, फेरो सीमेंट ब्रिज, लवकुश वाटिका, पाली चक, रेंज पाली में फेरो सीमेंट हट का कार्य है, जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए 37,88,000 रुपए है और अंतिम तिथि है 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर तक का वक्त यानी 4 दिन का तो वक्त आपके हाथ में है। आराम से आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। वन विभाग का ये महत्वपूर्ण टेंडर है, अहम टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख करते हैं, जो कि वन विभाग से ही है। अब देखिए, इस निविदा के लिए प्रकाशन तिथि भी 8 अक्टूबर रही, जैसे पिछली निविदा के लिए थी। कार्य विवरण इसके अंतर्गत फेरो सीमेंट वॉच टावर, फेरो सीमेंट ब्रिज, फेरो सीमेंट हट लवकुश वाटिका, खोबा गुड़ा रेंज देसुरी में काम करना है और ये है कार्य विवरण इस निविदा के लिए। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 29 लाख रुपए और अंतिम जो तिथि है इस निविदा के लिए वो 22 अक्टूबर है। तो ये भी अहम टेंडर है वन विभाग का। जो अभी नए टेंडर्स की हम बात करो, ये नए टेंडर्स है जिसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं। वन विभाग से ही है एक और अहम टेंडर। देखिए, 5 अक्टूबर इसकी प्रकाशन तिथि रही। कार्य विवरण जहां MTC वन कार्यालय और इमारतों की मरम्मत का कार्य है, जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है, अहम है। अनुमानित लागत, हालांकि अभी इसके डिटेल दी नहीं गई है, अभी कुछ बताया नहीं गया है कि इसमें क्या दिया जाएगा, लेकिन कार्य विवरण के साथ साथ आप अंतिम तिथि देख सकते हैं, जहां 21 अक्टूबर रहेगी इस निविदा की अंतिम तिथि। चलिए आगे बढ़ते हैं और वन विभाग जयपुर के इस टेंडर के बाद वन विभाग से ही एक और अहम टेंडर है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 4 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत पॉलिथीन बैग 12.50 cm x 30 cm यानी 120 माइक्रोन रंग काला पॉलिथीन बैग, जिसकी 20 cm x 40 cm 120 माइक्रोन रंग काला, ये इसका कार्य विवरण है, जहां अनुमानित लागत इस निविदा के लिए 14 लाख रुपए रहेगी और अंतिम तिथि की हम बात करें तो 21 अक्टूबर इस निविदा के लिए अंतिम तिथि है, यानी कि 4 दिन का वक्त आपके पास है। इस प्रक्रिया में भी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि वन विभाग ने जिस तरह से ये अहम टेंडर्स निकाले हैं, 3 से 4 टेंडर जिनकी जानकारी हमने आपको दी, उसी में एक ये निविदा भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं, जो कि वन विभाग जयपुर से ही है। देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 4 अक्टूबर है, लेकिन कार्य विवरण समझिए। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के अंतर्गत अरावली भवन जयपुर में नवीनीकरण उन्नयन कार्य उपलब्ध कराने हेतु ये निविदा निकाली गई। अब अनुमानित लागत इसकी क्या है, देखिए 7 लाख अनुमानित लागत रहेगी और निविदा की अंतिम तिथि है वो है 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर तक ही आप सम्मिलित हो सकते हैं इस निविदा में वन विभाग जयपुर के ये अहम टेंडर से, जिसकी जानकारी हमने अभी आपको दी।
तो किसी भी टेंडर की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com ट्रेंडिंग टेंडर्स पर भी जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में कुछ और विभागों के टेंडर्स की हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।